सौंदर्य, शक्ति, शांति और समृद्धि ये सबकी चाहत है। और सौंदर्य यदि प्रकृति से मिलता है तो हमारी सबसे पहली पसंद वही होता है। इसलिए जड़ी बूटियों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल बेस्ड कॉस्मेटिक्स के प्रति आज पूरी दुनिया में आकर्षण है। अभी पतंजलि आयुर्वेद के जिस इकाई में मैं बैठा हूं, ये जड़ी बूटियों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन की एक बहुत बड़ी इकाई है। वो कुल मिलाकर के करीब 250 टन की अलग अलग जो हर्बल कॉस्मेटिक्स की इकाई है उनकी कैपेसिटी है। अभी मैं जहां पर बैठा हूं यहां पर अभी करीब 100 टन हर्बल कॉस्मेटिक्स आप तैयार देख रहे हैं मेरे दाई और बाई और पीछे इसकी पूरी यूनिट है जिसमें कार्य चल रहा है ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा। वहां पीछे जो है जो बेस मेटीरियल उसमें जड़ी बूटियां मिलाई जाती है। हर दिन यहां सैकड़ों टन अलग अलग जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और वो इन प्रोडक्ट्स के अंदर डाला जाता है। आप अक्सर घरों में प्रयोग करते हैं, हल्दी चंदन का छोटा पैक तो आपको पहले उपलब्ध होता ही था, अब ये बड़ा पैक भी आ गया है। अब असली चंदन, असली हल्दी और उसके साथ वो दूसरी जड़ी बूटियां जो इसके ऊपर लिखी हुई है वो आपको इसमें मिलती है। आपकी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हल्दी चंदन के साथ साथ ये एलोवेरा, पतंजलि एलोवेरा कांति, ये भी आज लाखों ने करोड़ों लोग प्रयोग कर रहे हैं। और एलोवेरा हमारे त्वचा को प्राकृतिक सौंदर्य और सुरक्षा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ये रोज कांति माने गुलाब से बना हुआ नीम, लोगों को स्किन डिजीज बहुत रहती है। इसमें हल्दी चंदन और ये नीम, एलोवेरा सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं और इनका लाभ इतना है कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए औषधि का काम करता है, क्योंकि इसमें असली नीम का तेल है। और दूसरी जड़ी बूटियां हैं जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो इसमें डाला हुआ है। फिर कुछ लोगों को केसर की साबुन बहुत प्रिय होती है, आप इसको खोल करके बाथरूम में रख देते हैं तो बाथरूम से लेकर के और आपके बेडरूम तक इसकी खुशबू आने लगती है। रूम फ्रेशनर का भी काम करता है, आप इसको रूम में रख देते हैं तो रूम फ्रेशनर रखने की जरूरत ही रहती है, बाथरूम में रख देते हैं तो बाथरूम में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। पंचगव्य का भी जो है साबुन, क्योंकि हमारे यहां सदियों से पंचगव्य का प्रयोग होता था तो ये पंचगव्य का साबुन है। और ये लेमन हनी है, क्योंकि हर आदमी की अलग चॉइस रहती है इसलिए ये डिफरेंट सुगंधों में अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ इनको उपलब्ध कराया गया है। दुनिया में पहली बार मुल्तानी मिट्टी का साबुन पतंजलि की तरफ से बनाया गया और इसका आज लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कहते थे दादी माँ मुल्तानी मिट्टी में खट्टी छाछ मिलाकर के इस्तेमाल किया करती थी। इसकी भी इकाई ये पीछे की तरफ है, लास्ट में इसी की इकाई है। मुल्तानी मिट्टी का ये विश्व में पहली बार जो है ये साबुन बनाया गया। और मुल्तानी मिट्टी के अलावा भी इसमें दूसरी जड़ी बूटियां हैं वो सब इस लेबल के ऊपर लिखी हुई है। आप लोग जिसका प्रयोग करते हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसलिए मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे जिनकी बहुत नाजुक त्वचा है, बहुत सेंसिटिव जिनकी स्किन है, उनके लिए
कि मुल्तानी मिट्टी से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, आप प्रयोग करके देखना। और ये मोगरा जिसका अक्सर सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्राइस में थोड़ा अंतर होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं इनकी क्वालिटी क्योंकि विश्व स्तर की होती है, और जिन खास करके जिनकी त्वचा बहुत ही कोमल है और जो बहुत सेंसिटिव है अपनी स्किन को लेकर के, उनके लिए। और ये मिंट तुलसी भी बहुत ही जबरदस्त है, आप थोड़ा थोड़ा करके केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, साबुन के रूप में, शैम्पू के रूप में, टूथपेस्ट के रूप में, फेस वॉश के रूप में, चाहे वो कपड़े धोने वाला साबुन है, चाहे वॉशिंग पाउडर है, ऐसे तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा करके आप केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, और एक दिन आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो डवाडोल होने लगता है। हमने प्रयास ये किया है कि प्राकृतिक ढंग से आपकी त्वचा से लेकर के आपके संपूर्ण सौंदर्य की हम हिफाजत कर पाए, प्राकृतिक सुरक्षा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पतंजलि का यह प्रयास है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कॉस्मेटिक्स के इस क्षेत्र में पहली बार प्रामाणिकता के साथ जड़ी बूटियों पर आधारित सौंदर्य प्रसादन यदि कहीं से दिए गए हैं तो वो संस्थान है पतंजलि आयुर्वेद।